दोस्तों के साथ हूँ, पुराने दोस्तों के साथ हूँ। अपने नए शो का जो ट्रेलर है उसे लॉन्च कर रहे हैं आज हम। और इसके अलावा आज मैं बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाती हूँ। मेरी बिटिया इस वक्त दुबई में है तो उसे बहुत मिस कर रही हूँ। शाम को कुछ गरीब लोगों को खाना खिलाऊंगी और फिर रात को पार्टी करूंगी। और हमेशा शुक्राने में रहती हूँ। सो आई एम स्पेंडिंग माई डे इन डीप 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 ग्रैटिट्यूड। नीतू के साथ आपकी दोस्ती के बारे में कुछ बताएं और इस प्रोजेक्ट के बारे में भी थोड़ा रोशनी डालें। जी, तो नीतू हमारी ऐसी वाली दोस्त हैं जो दिल्ली से हमारी दोस्त हैं और हमने प्री मच काम आगे पीछे ही शुरू किया था। और बम्बई में भी हमारी मुलाकात इनसे हुई, कहीं किसी रोज़ में ये थी, वहीं से हमारी मुलाकात शुरू हुई। सबसे अच्छी बात ये रही है कि हम मिले ना मिले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा कनेक्शन इतना गहरा है। और शायद हम एक दूसरों को ना सिर्फ प्यार करते हैं बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, एंड दैट इज़ वॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। फाइनली इतने सालों बाद हम कोलैबोरेट कर रहे हैं ऑन सपमा, विच इज़ अ कंटेम्प्रेरी यूट्यूब सीरीज ऑन पॉजिटिव थिंकर्स ऑफिशियल। एंड ये एक ऐसी सीरीज है जो माँ और बेटी के बीच का एक बहुत ही क्यूट रिलेशनशिप, विच डील्स विद एवरी डे थिंग्स। ओके, जैसे बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हमें नहीं आती, हमारे बच्चे हमको सिखाते हैं। सो आई थिंक मोस्ट मदर्स विल रिलेट, एजुकेटेड और लेस एजुकेटेड, बट दे विल रिलेट। और एक जेनरेशनल जो गैप है, जहाँ पर ये नहीं है कि ओ तुम नई जेनरेशन हो टाइप, ओ ओ तुम पुरानी, इट्स अबाउट एक्चुअली कोलैबोरेटिंग विद ईच अदर एंड हैविंग फन, बिकॉज आई थिंक वो रिलेशनशिप सबसे खूबसूरत होता है जहाँ आप एक दूसरे से सीख सकते हैं। आप मल्टीटास्किंग करती हैं तो उसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि आप कैसे मैनेज करती इतनी सारी चीज़ें? मैं ना ऐसे भागती रहती हूँ हमेशा, ऐसे मैं पैदा ही ऐसी हुई थी। ओके, मैं सतमासी हूँ, सात मास महीने में पैदा हो गई, पता नहीं कौन सी जल्दी थी भैया यहाँ आने की, बट आई थिंक मैं जब से पैदा हुई तब से भागी रही हूँ। मुझे बहुत सारी चीज़ें साथ में करना अच्छा लगता है, जैसे यू नो आई एम एन एरीज, और जो मेरा बर्थ नंबर है, ये ऐसे लोग होते हैं जो कर्मठ बहुत होते हैं, तो मुझे अलग अलग चीज़ें करना अच्छा लगता है। एक चीज़ से मैं बोर हो जाती हूँ तो मैं पढ़ती हूँ, पढ़ाती हूँ, डबिंग करती हूँ, एक्टिंग करती हूँ, बच्चों के साथ काम करती हूँ, एनिमल्स के साथ काम करती हूँ, एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, इसके अलावा लिख रही हूँ। मुझे लगता है कि एक ज़िंदगी बहुत छोटी है, टू डू एवरीथिंग दैट आई वांट टू, मुझे बहुत कुछ करना है। टीवी, फिल्म्स, ओटीटी, थिएटर, इतने सारे मल्टीपल एरियाज में काम करने में आपको सबसे अच्छा मीडियम कौन सा लगता है और क्यों? एक्चुअली थिएटर तो डर के मारे मैं मना कर देती हूँ, विच इज़ रियली सिली, बिकॉज मैं स्टेज पे इतना काम करती हूँ, आई एम एन एंकर, आई हैव डांस्ड ऑन स्टेज एंड आई हैव डन शोज ऑन स्टेज, लेकिन पता नहीं प्लेस से मुझे डर लगता है। आई थिंक दिस इज़ वन थिंग दैट आई नीड टू ब्रेक दिस ईयर, मैं करूँगी अच्छा बड़ा बहुत बड़ा प्ले। सच बताऊँ तो एक्टिंग कैनवस अलग होता है, लेकिन एक्टिंग एक ही होती है। ऐसा नहीं है कि यू नो टेलीविजन पे एक एल्गोरिदम होता है या वो वेब में चेंज हो जाता है। आई जस्ट फील कि जो इंटेंसिटी एक कैरेक्टर एक्टर से मांगता है, मैं वो बड़ी शिद्दत से उसे देती हूँ। एंड इस समय मैं वेब स्पेस को बहुत इन्जॉय कर रही हूँ, बिकॉज वहाँ पर आपको ओवर द टॉप एक्टिंग नहीं करनी पड़ती, यू सो रियल, यू सो यू नो ऑथेंटिक, मुझे वो बहुत कम्फर्टेबल लगता है। इसके अलावा इतने सारे न्यू एवेन्यूज खुल रहे हैं अब, सो आई फील वेरी ब्लेस्ड टू बी एन एक्टर इन दिस एरा और एट दिस पॉइंट इन टाइम, जहाँ औरतों के लिए इतने ब्यूटीफुल कैरेक्टर्स लिखे जा रहे हैं एंड ऑल एज ग्रुप्स। हाँ, इट्स नॉट लाइक ओ आप 16 की नहीं है यू कैन गो, नो इट्स नॉट दैट। आई थिंक एनी एज ग्रुप इज़ बीइंग केटर्ड टू, राइट, इन टर्म्स ऑफ राइटिंग औरतों के लिए बहुत ब्यूटीफुल कैरेक्टर्स लिखे जा रहे हैं, और आई कांट से द सेम अबाउट मैन, बट या औरतों के लिए तो लिख रहे हैं। टीवी में कंटेंट बहुत बदला है फ्रॉम द टाइम यू स्टार्टेड टू करंट सिनेरियो, तो टीवी पे आप किस तरह का काम करना चाहेंगे? अगर ऑफर कोई आपको करना चाहे तो किस तरह के रोल आपको ऑफर करें? देखिए, मेरा शुरू से एक ही चीज़ एक बहुत टेम्पलेट रहा है मेरा, कि खूबसूरत दिखने के लिए मुझे प्लीज़ मत बुलाओ, यू आर वेस्टिंग योर मनी एंड टाइम। कोई चैलेंजिंग रोल है विच पुशेज मी आउटसाइड माई कम्फर्ट जोन और बाउंड्री, मुझे वो और कोई ऐसी चीज़ जो मेरे एक दिमाग से मेल खाता हो, सेरेब्रल हो, रिलेटेबल भी हो, लेकिन ऐसा कुछ जो मुझे मेरे कम्फर्ट जोन से बिल्कुल उठा के बाहर फेंक देता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। और दूसरा, जो वैल्यू ऐड करे सोसाइटी में, बिकॉज मैं जब भी कोई किरदार प्ले करती हूँ, आई ऑलवेज बिलीव कि यू एज एन एक्टर आर अ वेरी एक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज, तो अगर मेरे द्वारा कोई भी चेंज या मैं कैटलिस्ट बन सकती हूँ, आई एम वेरी हैप्पी टू डू दैट। सो आई वांट कैरेक्टर्स विच आर लेड, विच मेक सेंस, विच आर रियल,
यू नो आई थिंक जब से मैं टेलीविजन में आई हूँ तब से अब मैं बहुत फ़र्क आया है एंड आई एम हैप्पी अबाउट दैट. लॉट हैज चेंज बट येट अ लॉट हैज़ नॉट चेंज सो आई एम नॉट गोइंग टू लाई अबाउट इट. But I would really like stronger women characters and not just, you know, black and white. Zindagi black and white nahi hai. So I want more relatable characters, jo real hote hain. Hum, matlab, raat ko chudail aur subah devi nahi hote hain. Aisa nahi hota hai. Uske beech ka bhi hota hai na. So I think we need to really write for real women. It's very important. What is the message to your fans and audience? Be you, do you. Bhaad mein gayi dunya. You should know who you are. And always be in deep, deep, deep gratitude. ये जो लोग बोलते हैं ना मेरा तो बनता है आपका कुछ नहीं बनता भाई. Nobody owes you anything. You owe nothing to nobody. Just be in gratitude for what you're getting. Respect your work and understand one thing. आज आप जहाँ खड़े हैं आपसे पहले लाखों लोग थे आपके बाद करोड़ों होंगे. इस जगह को इतनी सीरियसली मत लीजिए. It's a job. Do it with love. Do it with dedication. And don't take yourself so seriously. हंसना सीखो. Thank you so much.